गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भीम एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप भीम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उसका यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहते हैं। सो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि भीम एप्लीकेशन का यूपीआई पिन आप कैसे सेट कर सकते हैं या फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले भीम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप भीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन पिन डालने को बोला जाएगा। आप अपना जो भी एप्लीकेशन का लॉगिन पिन है वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे ऊपर जो आपका बैंक का नाम आ रहा है, जो भी आपने बैंक इसमें ऐड किया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने दो बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं। आप जिस भी बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन रीसेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अंदर फॉरगेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपने लास्ट के 6 डिजिट डालने अपने डेबिट कार्ड में से चेक करके, एंड इसके बाद डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो आपको नीचे एंटर करना है। मैं आपको एंटर करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ऑटो जनरेट कर लेगा अगर आपका फ़ोन में सिम लगा हुआ है तो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो भी आपका एटीएम का पिन है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले आपका ओटीपी यहाँ से वो रीजनरेट कर लेगा। अगर फैच नहीं करता है तो आपको जो भी आपका सिम है उसमें एक मैसेज आएगा, उसमें से आपको यहाँ पे पिन डालना है, सॉरी ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको नीचे एटीएम का पिन एंटर करना है। मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपको कंटिन्यू करता हूँ। पिन डालने के बाद आपको अपना एटीएम का पिन डालना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहां पे यूपीआई का पिन रीसेट कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी पिन एक चूज़ कर लीजिए। तो ये आप 4 या 6 डिजिट का चेक कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में अगर आपके बैंक में अगर 6 डिजिट का आ रहा है तो आप उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए क्योंकि यहां पर 4 या 6 डिजिट दोनों का यूपीआई पिन बन सकता है। तो मेरी बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 डिजिट का बन रहा है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। पिन डालने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में आप एक बार फिर से कंफर्म करेंगे दोबारा से वही वाला पेज जो आपने एंटर करा था। उसके बाद आपको फिर से सही गेट ट्रिक पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखिए सक्सेसफुली लिखा आ गया है, आपका पिन रीसेट हो चुका है। तो आप इस तरह से भीम यूपीआई का जो भी पिन है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसका पिन जनरेट कर सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।